फ्रेंड्स, इट्स तनिष्क हियर वेलकमिंग यू टू द चैनल लीव लाइफ ईट एंड एंजॉय विद तनिष्क। में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स ये प्लांट के बारे में जिसका कि नाम है फिनिक्स पाम। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग मेरा ये प्लांट कितना हेल्दी और अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें अच्छी न्यू लीव्स भी आ रही है, जिसकी फ्रेंड्स हम केयर कैसे करें आप लोगों के साथ बताऊंगा। फ्रेंड्स सब केयर में हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसको प्लांट को रखें कहाँ। फ्रेंड्स आप इसको शेड में रखिएगा तो बहुत अच्छा चलता है। जैसे कि मेरी भी फ्रेंड्स शेड के अंदर है, बट ब्राइट लाइट आती है दिन भर, डायरेक्ट सनलाइट से सुबह की एक घंटा ही आती है ये प्लेस पर जहाँ मैं इसको रखा हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैंने फ्रेंड्स इसको पूरे मतलब इंडोर रख के देखा था तो इंडोर भी चल जाता है, बट फ्रेंड्स इसमें फिर ना मतलब लीव्स में ये ऐसा ग्रीन कलर नहीं रह पाता है। तो फिर इसलिए इसको आप इंडोर अगर रखते भी हैं तो आप इसको विंडो के पास रखिएगा जहाँ मतलब दिन भर की ब्राइट लाइट आए कम से कम, या फिर अगर जहाँ अगर इंडोर भी रखना है आपको तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसी जगह रखिएगा कि जहाँ मतलब इसको आपकी लाइट ब्राइट लाइट हो घर में, मतलब ऐसे जहाँ आपकी अच्छी ट्यूबलाइट लगी हो। तो फ्रेंड्स आप इसको वहाँ रखिएगा, और इसको अगर आप इंडोर रखते हैं तो फ्रेंड्स इसमें फिर आपने वाटरिंग हफ्ते में एक ही बार करी तो चलता है ये इजीली, आप में इसमें ज़्यादा वाटरिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको बाहर रखते हैं जैसे मैंने रखा हुआ है तो फ्रेंड्स वही है कि आप जब भी इसमें मतलब इसकी मिट्टी सूखने लग जाए तो फ्रेंड्स आप इसमें वाटरिंग कर दें। प्रोपोगेशन तो वैसे मतलब सीड से उगता है ये प्लांट। यस फ्रेंड्स, इसको डेट खजूर का मतलब झाड़ भी कहते हैं या डेट पाम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर खजूर के बीज हो तो भी आपका ऐसे ही ये प्लांट उगता है। और इसको फिनिक्स पाम बोलते हैं क्योंकि इसका ये ऐसे फव्वारे जैसे पत्ते होते हैं, मतलब देख सकते हैं आप लोग इसका एक इसमें ऐसे पांच पत्ते होते हैं, इसलिए इसको फ्रेंड्स फिनिक्स पाम कहते हैं। और इसमें ऐसे न्यू लीव्स निकलती है। और फ्रेंड्स अब इसकी वाटरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स वाटरिंग करना इसमें मतलब जब मिट्टी सूख जाए तभी आपने इसमें वाटर करना है। और अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं फ्रेंड्स तो जैसे कि फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग कि ये टिप्स से ऐसा पीला पड़ने लग जाता है, देख सकते हैं आप लोग ऐसा टिप से ऐसा पीला येलो होने लग जाता है, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स जो इसके ऐसे पत्ते जो हो जाते हैं मतलब देख सकते हैं आप लोग नीचे वाले जो पत्ते होते हैं फ्रेंड्स इसको आप रिमूव करते रहें टाइम टू टाइम, इस ऐसे वाले पत्तों को आप इसे रिमूव करते रहें तो फ्रेंड्स इसमें इसको मतलब अच्छा रहता है ये करना। और वो इसको फ्रेंड्स आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दीजिएगा क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स के ग्रीनरी मेंटेन करके रखता है और इनको अच्छा लश ग्रीन बनाता है। और फ्रेंड्स आप इसको जब भी वाटरिंग करें तो हम इसको ऊपर से नीचे पूरा निलाएं, मतलब आप इससे पाइप से पानी डालते होंगे तो उसको पूरा प्लांट को निलाएं आपके। और फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला कि बस ये ऐसे जो लीव्स जो मतलब देख सकते हैं ये ओल्ड हो गए हैं अब, जैसे कि ये ओवर वाटरिंग का नतीजा नहीं है, इनकी मतलब लाइफ खत्म हो गई अब। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे हम काट देंगे यहाँ से, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ये ओल्ड लीव्स रिमूव नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपका प्लांट मतलब फालतू में एनर्जी कंज्यूम करता है और ये नए प्लांट्स लीव्स निकालने के बजाय ओल्ड को मतलब गिराने में ही अपनी एनर्जी लगाता है। इसलिए फ्रेंड्स आप इसको मतलब इसके लीव्स रिमूव कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स एक और बात ये हुई कि अगर मतलब आप अगर इसको आप बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगाते हैं फ्रेंड्स तो ये आपका प्लांट अच्छे से नहीं चलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल मतलब रहा है कि मैंने इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है कुछ, मतलब अराउंड ये मेरा पॉट है एक हाथ जितना ही छोटा लंबा है, देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स प्लांट की मतलब हाइट ये देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा ग्रोथ कर रहा है प्लांट। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में मत लगाइएगा, आप इसको छोटे ही पॉट में लगाना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और फ्रेंड्स बस ये प्लांट को लेके यही था बताने के लिए मेरे पास। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में जरूर मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसके अगर देख सकते हैं जैसे कि इसमें जो ये वैक्सी कोटिंग जैसा जो मेंटेन होता है तो फ्रेंड्स इसका यही है कि आप इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डालिएगा, जैसे कि चाय की पत्ती हो गई, या अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग NPK भी डाल सकते हैं जो कि नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस का मिक्सचर होता है, आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाता है या फिर आप लोग फर्टिलाइजर की दुकान से भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे जो लीव्स हैं मैं उसको रिमूव कर दूंगा, देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके नीचे ये लीव्स पूरी रिमूव कर दी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये बातों का ख्याल रखिएगा तो आपका प्लांट भी रहेगा इतना ही ब्यूटीफुल और इतना ही हेल्दी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, टिल देन बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स।